हेलो भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फोक्सवैगन टाइकून के कुछ क्लियर पिक्स। और ये दोस्तों ये क्लियर पिक्स जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल क्यों बना देते हैं, क्योंकि ये इसके मिड वेरियंट्स के क्लियर पिक्स हमको लग रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी जरूर से कर देना। चलिए दोस्तों मेरा नाम है विश्वजीत और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट फोटो है वो है ये। तो आप ये फोटो देखिए, इसके अंदर आपको फोक्सवैगन टाइकून का जो है फ्रंट लुक और इसके अलॉय व्हील्स दिख रहे होंगे। अब इसके अंदर से हमको ये पता चलता है कि जो मिड वेरियंट्स होंगे उसके अंदर आपको नॉर्मल हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 15 या 16 इंच के टायर्स देखने को मिलेंगे जो कि होंगे आपके स्टील व्हील्स, जिसके ऊपर है व्हील कैप्स, कोई भी अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम करके देखिए तो इसके जो ओवरवीएम है यानी साइड मिरर, वो बॉडी कलर के ही है और जो अपना टर्न इंडिकेटर है वो भी ओवरवीएम पे ही है। अब ये इसका बेस वेरिएंट है या मिड वेरिएंट ये पता नहीं लगे, लेकिन अगर इसका ये बेस वेरिएंट होगा तो यार आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं इसके क्लियर लुक की, तो ये आप देख लीजिए एक थोड़ा जूम पिक है, इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर फोक्सवैगन ग्रिल भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स की हाउसिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर क्रोम या सिल्वर सराउंडिंग है और नीचे आपको ब्लैक बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेगी जो कि व्हील आर्चेस के ऊपर होती हुई जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट पिक देखें तो ये व्हील्स का यहाँ पे जो टायर सेक्शन है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको व्हील्स के ऊपर ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग और 15 टू 16 इंच की व्हील्स दिख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ जो है इसका रियर लुक, तो ये है ऐसा कुछ रियर लुक। ये आप बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलती है, ये LED है या हेलोजन वो तो इस पिक में हमको नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक बात जो कंफर्म है कि यहाँ पे आपको रियर वाइपर विद वॉशर और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है जो कि डुअल टोन यानी ब्लैक कलर का एंटीना है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम नीचे देखते हैं तो बम्पर के ऊपर ब्लैक कलर की फिनिश है, प्री लुक देने के लिए हेल्प कर। और दोस्तों ये थोड़ा एक जूम इन पिक इसी रियर फोटो का, आप देख सकते हैं रियर प्रोफाइल काफी ज्यादा आपको अच्छी लग रही है, आप बोल सकते हैं कि एक MG एक्टर इंस्पायर्ड भी लुक है। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े स्पेक्स के बारे में। यहाँ पे आपको फर्स्टली 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 115 PSP की पावर एंड 175 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। सेकंड होगा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर यूनिट रहेगा, ये 150 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क निकालेगा। जो पहला इंजन होगा 1 लीटर वाला वो 6 स्पीड के मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आएगा, और ये जो 1.5 लीटर का होगा वो 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DAC गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। ये गाड़ी आपको आप अराउंड 8.5 से लेकर 9 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक आएगी। ये कंपटीशन देगी Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति एस्क्रॉस जैसी गाड़ियों को, लेकिन उनसे ज़्यादा बेटर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे भी कोई नई डिटेल्स आएगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरे नई वीडियोस आए आप जाके देख सके। और दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही बनाता रहता हूं, तो आप मेरी चैनल पर जाके सारे वीडियोज़ को चेक करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।